प्रयागराज से खबर सामने आ रही जहां आजम खान के परिवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जेल से बाहर आएंगी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटा अब्दुल्ला आजम। बेटे अब्दुल्ला आजम के दो बर्थ सर्टिफिकेट मामले में मिली जमानत। जमानत के बाद भी आजम खान को नहीं मिलेगी राहत। डूंगरपुर मामले में आजम खान 7 साल की सजा पर हैं। प्रयागराज से खबर सामने आ रही जहां आजम खान के परिवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जेल से बाहर आएंगी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटा अब्दुल्ला आजम। बेटे अब्दुल्ला आजम के दो बर्थ सर्टिफिकेट मामले में जमानत। जमानत के बाद भी आजम खान को नहीं मिलेगी राहत। डूंगरपुर मामले में आजम खान 7 साल की सजा पर है। ये दो बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड मामला था। आजम खान और तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ FIR हुई थी 2019 में। उस मामले में ट्रायल चला था रामपुर में और उसमें सजा हुई थी 7 साल की। MPMLA कोर्ट से 7 साल की सजा हुई थी। उसके बाद उन्होंने वहीं पर MPMLA सेशन कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील की थी। वो अपील भी रिजेक्ट हुई उनकी। उसके अगेंस्ट यहाँ पर इन्होंने तीनों ने रिवीजन फाइल किया था। वो रिवीजन की सुनवाई चली थी काफ़ी टाइम से और आज जजमेंट हुआ है। उसमें तीनों को बेल दे दी गई है और आजम खां का कन्विक्शन स्टे किया है। तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खां का रिजेक्ट। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रयागराज से पवन जुड़ चुके हैं। पवन, आजम खान के बेटे और पत्नी को राहत मिली है, क्या कुछ पूरा मामला है? बिल्कुल सपना, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान व उनके परिवार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आजम खान व उनकी पत्नी तंजीम फातिमा तथा बेटे अब्दुल्ला आजम तीनों की जमानत मंजूर कर ली है। बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने और उसका दुरुपयोग किए जाने के मामले में तीनों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके खिलाफ यह याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें बीते दिनों सुनवाई के दौरान 14 मई को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। आज शुक्रवार को हाईकोर्ट ने अपने फैसले में आजम खान को राहत दी है, उनकी सजा पर रोक लगा दी और जमानत भी दे दी है। जबकि पत्नी और बेटे को जमानत तो दे दी गई है लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई गई है। यह फैसला जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने सुनाया है। बता दें कि रामपुर की स्पेशल कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2023 को तीनों को 7-7 साल की सजा सुनाई थी तथा 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था, जिसमें आजम खान की पत्नी व बेटे ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। जी सपना, पवन, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जेल से बाहर आएंगी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटा अब्दुल्ला आजम। बेटे अब्दुल्ला आजम के दो बर्थ सर्टिफिकेट मामले में मिली जमानत। जमानत के बाद भी आजम खान को नहीं मिलेगी राहत। डूंगरपुर मामले में आजम खान 7 साल की सजा पर है। प्रयागराज से बड़ी खबर, आजम खान के परिवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जेल से बाहर आएंगी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटा अब्दुल्ला आजम। बेटे अब्दुल्ला आजम के दो बर्थ सर्टिफिकेट मामले में जमानत मिली है। जमानत के बाद भी आजम खान को नहीं मिलेगी राहत। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता, प्रथम तल वृंदावन टावर ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। इम्प्लानेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कम्फर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता, प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। बाबा साहेब शादी .com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मन चाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निःशुल्क पंजीकरण कराएं और मन चाहा रिश्ता पाएं।
गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड चिन्हट लखनऊ। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर, आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। मस्तिष्क मनोरोग नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान, पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से, और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियों के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बारी।